फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टैली ब्लॉग्स में आप सबका दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जब हाउस हेल्पर अभी तो नहीं आ रही है तो मैं अपने कामों को कैसे मैनेज करती हूँ अकेले। तो हर घर में ये झाड़ू पोछा नाश्ता खाना सब लगा हुआ रहता है, तो उसको मैं कैसे मैनेज करती हूँ बिना टेंशन का, तो वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह चाय पी चुकी हूँ और हस्बैंड चले गए हैं दूध के लिए और टाइम हो रहा है अभी 6:30, क्योंकि आज मैं लेट से उठी थी। अच्छा, रात में ठीक से सो नहीं पाई थी तो लेट से उठी थी, तो इसलिए 6:30 हो गया है और चाय पी चुकी हूँ। और किचन का इस तरह से हाल है अभी। और बर्तन मैं रात में ही धो ली थी, मैं डेली बर्तन रात में ही धो लेती हूँ, जब नहीं रहता है कि हाउस हेल्पर नहीं आएगी तो मैं रात में ही धो लेती हूँ। तो इसको सजा दूंगी। और स्लेप जो है सो सुबह में पोछा नहीं मारी, रात में मारी थी पर सुबह में नहीं की थी, तो यहाँ पे स्लेब को साफ करूंगी। और कैसे मैं पूरा दिन काम करती हूँ, पूरा दिन मतलब कि देखती हूँ कहाँ तक शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि अगर पूरा दिन का करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए काम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रात का जो बर्तन है सूखा हुआ, धोया हुआ सूखा हुआ, तो इसको मैं उठा करके रैक में सजा दे रही हूँ। और इसी के साथ मैं गैस के स्लेब को साफ़ कर लूँगी। तो रात में मैं नीम वाले पानी और हैंड वॉश से गैस स्लेब और गैस को पोछ के धोकर साफ़ कर लेती हूँ। और सुबह में बस यह कपड़ा हल्का सा भींगा करके और उसी से पोछ लूँगी, तो ये क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और इसको करने के बाद में मैं जाऊँगी आंगन में। तो यहाँ का किचन का काम हो गया है तो मैं चलती हूँ आंगन में। और आंगन में है एक कटहल का पेड़, तो उससे हमेशा अभी पत्ता गिरते रहता है और कल तेज़ हवा भी चल रही थी तो जिसके कारण पूरा आंगन में पत्ता बिखरा हुआ है। तो लगा लेती हूँ झाड़ू। और कोई भी काम करने के पहले अगर हम मन में कर लेना कि ये हमसे नहीं होने वाला है तो सच में नहीं हो पाता है। और मन में अगर सोच ले कि नहीं इसे मैं कर लूँगी और बहुत ही आसानी से कर लूँगी, तो बिना टेंशन का ये काम अच्छे से हम लोग निपटा सकते हैं। तो बस ये मन में विश्वास रखें कि इसको मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं रूम में, और रूम में पहले मैं जो भी सामान है उस सबको झाड़ दूँगी और उसके बाद में तब मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बेड को झाड़ दे रही हूँ और ये बेडशीट को हटा दूंगी, क्योंकि कल रात में तेल लगाई थी पैर में तो ये तेल लगा हुआ है बेडशीट में, तो उसको हटा दे रही हूँ। और ये धुला हुआ बेडशीट है उसको मैं डाल दे रही हूँ इस बेड पे। और जो भी सामान है सोफ़ा कुर्सी टेबल जो भी रहता है तो पहले मैं उसको झाड़ लेती हूँ, झाड़ू लगाने से पहले एक कपड़ा से, उसके बाद में मैं झाड़ू लगाती हूँ और पोछा लगाती हूँ, तो उससे क्या होता है कि साफ हो जाता है बिल्कुल।
यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगाने से पहले झाड़ू लगाई थी, तो झाड़ू लगा के ही मैं मशीन भी चालू कर चुकी हूँ। आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मशीन भी चल रहा है तो कपड़ा भी धुल जाएगा और साथ के साथ पोछा भी लग जाएगा। तो सोची तो थी कि पोछा लगाऊंगी, उससे पहले मैं सब्जी का भी कुछ काम कर लूंगी, पर हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं दूध लेकर के आ गया हूँ तो मैं सब्जी बनाऊंगा आज। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और हस्बैंड बोल रहे थे कि आप लोग बोलिए कि पहले चाय पीजिएगा या खाना बनाऊँ मैं सब्जी आप लोगों के लिए। तो मैं बोल रही थी कि सब्जी तो बहुत अच्छा आप कौन सी बनाने वाले हैं सो पता नहीं। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ सूटी, और हस्बैंड वहाँ पे दूध डाल रहे थे छानने के लिए। तो ये तो कुछ करते नहीं हैं, पर आ जाते हैं किचन में कि नहीं नहीं ठीक है मैं कुछ कर देता हूँ हेल्प। तो बोली कि ठीक है कीजिए। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ और बोल रही हूँ कि आप आलू और सूटी वाला जो सब्जी है सो बनाइए। और इधर मैं करेला का भुजिया काट ले रही हूँ दोपहर के लिए ही, और काटूँगी मैं कोहरा, कोहरा मतलब मीठा कद्दू। तो यहाँ पे हस्बैंड सब्जी बना रहे हैं और उधर दूध बॉयल हो रहा है, इधर मैं सब्जी भुजिया काट ले रही हूँ करेला का। और करेला को काट के मैं धो लूँगी और नमक हल्दी लगा करके 15 मिनट तक छोड़ दूंगी उसी तरह से। और जब बनाने का होगा तो उसका जो पानी रहेगा नमक हल्दी वाला, उसके साथ में उसको एक बार पानी से फिर धो दूंगी, ताकि इसका जो कड़वापन है करेला का सो हट जाए। और साथ में मैं दाल को भी धो करके रख दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और थोड़ा बहुत जो बर्तन निकलते जाएगा उसको मैं धोते जा रही हूँ, ताकि ये भी काम मेरा साथ के साथ निपटते जाए। और हस्बैंड को बोल रही हूँ कि ठीक है बाद में बात कीजिएगा, पहले सब्जी चला लीजिए। तो वो सब्जी चला करके आकर से बात करने लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं वही कद्दू काट रही हूँ, मीठा वाला कद्दू। तो उधर दूध भी बॉयल हो गया है तो उसको हटा दे रही हूँ और चढ़ा दे रही हूँ कढ़ाई। और हस्बैंड बोल रहे दो आज मीठा कद्दू का सब्जी मैं ही बनाऊंगा, तो वो भी सब्जी वही बनाएंगे। तो इधर सब्जी पक रही है तो मैं इधर निकाल ले रही हूँ दूध, क्योंकि बहुत जोरों की गर्मी हो रखी है और प्यास भी लगा है। तो सोची कि क्यों पानी पीने जाऊँ, अभी चलो दूध ही पी लेते हैं, क्योंकि अभी पूजा करने में भी टाइम लगेगा और कुछ कुछ काम है उसको भी निपटाना है। तो निकाली दूध और ले आई हूँ यहाँ पे बरामदे में, और पंखा चलाकर हम लोग दोनों दूध पी रहे हैं। तो दूध पीने के बाद जो सब्जी का काम है वो मैं निकाल दूंगी कटोरी में, पक जाएगा तो, और चली जाऊंगी मैं नहाने। तो नहा के पूजा करके तब मैं आ करके रोटी बनाऊंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से किचन में। तो मॉर्निंग का जो भी काम था सो करके आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, और बना ले रही हूँ रोटी। तो रोटी बना के करूंगी मैं नाश्ता, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। अब निकाल लेती हूँ सुबह का नाश्ता, और दोपहर में सिर्फ चावल और दाल बनाना है, क्योंकि दो सब्जी बना के गई थी और करेला का भुजिया भी मैं बना चुकी हूँ, तो सिर्फ और चावल और दाल ही बनाऊंगी। तो बस ये रहा आज का ब्रेकफास्ट, मेरा सुबह का नाश्ता। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।